आज रात 12 बजे साल 2020 समाप्त होकर नया साल 2021 प्रारंभ हो जाएगा। अलविदा 2020, शुभ स्वागतम 2021। आ रहा हूँ, जा रहा हूँ 2020, चंद घंटे बाकी हैं मेरी विदाई में। कोरोना के कारण कोसा गया मुझे, महामारी का साल बनाया गया मुझे। मेरे जाने की खुशी नाच गाकर जश्न मनाकर जाहिर कर रहे हैं लोग। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे मुझे, मैं हूँ 2020। अलविदा। रानीखेत रेल से टकरा जाने से एक व्यक्ति की हो गई मौत। रायकाबाग रानीसर तालाब ट्रैक रेलवे के किलोमीटर नंबर 134 के 9/135 के ओ के बीच में रायकाबाग निवासी राजेंद्र पुत्र छोटेलाल जैन रानीखेत ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही तोड़ दिया दम। रेलवे पुलिस ने शव को मोर्ची में रखवाकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को किया सुपुर्द। मामले की जांच रेलवे पुलिस अधिकारी रामलाल करेंगे। आज फलोदी नगर पालिका की साधारण बैठक दोपहर 2 बजे के बाद हुई शुरू। पन्नालाल व्यास की अध्यक्षता में आयोजित बैठक नगर पालिका के अटल सेवा केंद्र में कुल 12 एजेंडे थे शामिल, उन पर होनी थी चर्चा। 4 मुद्दे सर्वसम्मति से पारित हुए, 5वें मुद्दे पर चर्चा चल ही रही थी तभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सभी मुद्दों पर बहस करना बेकार है, हमारी सभी मुद्दों पर सहमति है। यह वाक्य सुनकर उपाध्यक्ष सनम नागौरी ने मौके को बाउंस नहीं होने दिया और अध्यक्ष से विपक्ष के नेता की सभी मुद्दों पर सहमति है की बात कर सभी पार्षदों ने टेबल थपथपाकर सभी मुद्दों को सर्वसम्मति से कर दिया सदन में पारित। पालिका की साधारण बैठकें 3 महीने में एक बार होने वाली नगरपालिका बोर्ड मीटिंग जिसमें शहर के विकास एवं समस्याओं की चर्चा होनी होती है। चुने हुए पार्षद वार्डवासियों की समस्या सदन में रखकर निवारण करवाते हैं। विकास के मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, विकास के एजेंडे रखे जाते हैं व पास किए जाते हैं। बैठक के एजेंडों में शामिल मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं। आज की साधारण बैठक में ऐसा लगा कि नगर पालिका की साधारण बैठक नहीं होकर मात्र निमंत्रण सभा रही। विपक्ष के कुछ पार्षद व नेता प्रतिपक्ष बीच में चले गए। चंद समय चली नगर पालिका की साधारण बैठक एजेंडों को 5वें एजेंडे मुद्दे पर ही समाप्त सी हो गई थी तभी उपखंड अधिकारी बैठक में पहुंचे और पूर्व पार्षद एवं वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण थानवी को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। उपखंड अधिकारी यशपाल आहूजा, तहसीलदार फरोदी, अध्यक्ष बनालाल व्यास सहित 29 कांग्रेस के सदस्य बैठक में मौजूद दिखाई दिए। विपक्ष के 9 सदस्य सीटों पर बैठे नजर आ रहे थे।